बाजी ELSS पर बातचीत हो रही है। हमारे साथ बलवंत जैन आज के टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स सभी निवेशकों के लिए बेहतर है, लेकिन आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी देखें आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कुछ विकल्प आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा बलवंत जी कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कंसिस्टेंटली इसने इन्फ्लेशन को बीट किया है, यहाँ पर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर फंड यहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे जहां पर निवेश किया जा सकता है? जहां तक सवाल है, अच्छा परफॉर्मिंग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, उसने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले 5 साल में उसका एवरेज जैसे मैंने बताया 22-23% के आसपास है, जो कैटेगरी एवरेज 16% है, इनका जो रिटर्न है उससे ज़्यादा है। तो अगर आप एक स्कीम का पूछ रही है तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो, और वो ELSS ही है, तो आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिलेगा। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी अगर उसका परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इनफैक्ट जो लॉक इन है 3 ईयर्स का, लगभग 22.6% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड से निवेशकों को मिला है। साथ ही अगर 5 साल का रिटर्न हम देखें औसत, तो यहाँ पर भी 22% का रिटर्न निवेशकों ने कमाया है। इसके अलावा कई और फंड्स हैं इस कैटेगरी में बलवंत जी, जैसे रिलायंस टैक्स सेवर, DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर और IDBI इक्विटी एडवांटेज। इन पर आपका स्पेसिफिकली कोई कमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी 22-25% का रिटर्न देखने को मिला है अगर 3 ईयर्स का हम प्रदर्शन देखें। नहीं, ये जो फंड आपने बोले हैं टैक्स सेविंग के, इसमें से मैं एक भी वॉचमैन नहीं रखा है, परंतु इसके अलावा अगर आप पूछें मेरे को तो ICICI प्रूडेंशियल का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, या बिरला सनलाइफ का टैक्स प्लान है, या इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस है इन तीनों फंड का जो मैंने बताया आपको। तो अगर ध्यान रखना हो किसी को, अगर शुरुआत करनी हो ELSS की, और अब मार्च में तो हाँ कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन अगर अप्रैल से यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से अब टैक्स प्लानिंग की भी शुरुआत करनी है, तो क्या खास बातें हैं आपकी तरफ से, कॉशियस वर्ड जिसे कहते हैं, क्या रहेगा वो, किन बातों का खास ख्याल रखे निवेशक? जैसे मैंने पिछले प्रश्न सेशन में ही बताया कि आपको जो टैक्स की प्लानिंग है वो साल के शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए, और आपके पास कुछ डेटा तो आपके पास रेडी होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर कितना पैसा काटेगा आपका EPF का, या जैसे बताया ट्यूशन फी, इंश्योरेंस है, होम लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट वगैरह है, वो आप देख लीजिए, उसका जो एग्रीगेट है वो 1.5 लाख में से कम करके जो आत्सम आता है उसको पूरे साल में डिवाइड करके आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो एक आपकी जो SIP हुई है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाती है, परंतु आगे जो आपकी SIP डेबिट होने वाली है वो आप जो फंड हाउस जो सिलेक्ट किया है, जो स्कीम आपने सिलेक्ट की है, वो आप मॉनिटर करते रहिए। अगर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो आपको चाहिए कि वो जो SIP है वो आप तुरंत बंद कर दें, और जो दूसरी स्कीम परफॉर्म कर रही है उसमें आप इन्वेस्ट करें। मैंने जैसे बताया कि आपको ELSS में इन्वेस्ट SIP के जरिए पूरे 12 महीने में करना चाहिए, परंतु जरूरी नहीं कि आप CM स्कीम में ही 12 महीने पैसा डालें। अगर आपकी स्कीम मीट द वे अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको स्कीम चेंज करनी चाहिए, और जो आपका इन्वेस्ट हो गया है वो आपकी हर एक सिप है वो 3 साल के लिए लॉक हो गई है, तो वो आप पैसा 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते, परंतु जो फ्यूचर सिप है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो तरीका भी आपको एक्सपर्ट ने बताया कि SIP के जरिए आप अपनी टैक्स प्लानिंग करें, और जितना रकम आप, जितना टोटल आप कॉर्पस साल भर में निवेश कर सकते हैं उसे डिवाइड बाय 12 करें और हर महीने उसकी SIP करना शुरू करें। शुक्रिया बलवंत जी, समय दिया आपने और बातचीत की हमसे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।